गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 के मैथमेटिक्स में जो पढ़े थे फ्रैक्शन, उसका सेकंड एक्सरसाइज जो है वो शुरू करेंगे। जो फर्स्ट एक्सरसाइज था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, 2A's। अब हम 2B शुरू करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2B के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। चलिए, तो जो 2B में क्वेश्चन है वो सब सिंप्लीफाई करने वाला है, जो आप पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2B का जो पहला प्रश्न है, पहला जो क्वेश्चन है उसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द प्रोडक्ट। चलिए, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट, ठीक है, मान ज्ञात करना है इसको। और इसमें जो पहला है, हम एक्सरसाइज 2A पहले कर चुके थे, अभी एक्सरसाइज 2B शुरू किए। एक्सरसाइज 2B, 2B में देखिए, 2A में हमने किया था एड और सब्सट्रैक्ट, यानी कि जोड़ घटाव किया था। इसमें हम करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, इसके बारे में। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है मल्टीप्लाई 3/5 इंटू 7/11। देखिए, इसमें करना क्या है, इसको आप कटा सकते हैं। कैसे कटाना है, ऊपर नीचे, यानी कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं, यहाँ बताए थे, न्यूमिनेटर। ऊपर वाला होता है न्यूमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को भी कटाया जा सकता है, ऊपर वाले से नीचे वाले को कटाया जा सकता है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कटाया जा सकता है, या फिर इसको इससे कटाया जा सकता है, तिरछा ऐसे, और इसको ऐसे कटाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, ऊपर नीचे कटाया जा सकता है या फिर ऐसे तिरछा तिरछे भी कटाया जा सकता है, कब, जब वो डिविजिबल हो, कटने योग्य हो तब। अगर नहीं हो रहा है तो सीधे डिवाइड गया है तो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई है तो इसको मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे, 7 3 जा 21 और 11 5 जा 55। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है। और इसी तरह से इस पहले क्वेश्चन में अन्य भी बाकी जो क्वेश्चन है 12 तक, तो बाकी जो 12 क्वेश्चन हैं वो इसी से मिलते जुलते हैं, ऐसे ही हैं, तो वो आप बना सकते हैं। तो चलिए, इधर हम होमवर्क के लिए भी लिख दे रहे हैं, आपका जो होमवर्क है अभी वो है क्वेश्चन नंबर 1 का 2 से लेकर 12 तक, 2 to 12, ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 का 2 से 12 तक। सब में आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसके बारे में जानते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है वो, दूसरे क्वेश्चन के लिए पहले इसको हम हटा दें। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है सिंप्लीफाई का। सिंप्लीफाई भी आप पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। सिंप्लीफाई करना है सेकंड क्वेश्चन। सिंप्लीफाई में जो है क्वेश्चन वो क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। इसमें भी मल्टीप्लाई ही है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई इसमें भी है, 2/3 पहला जो फर्स्ट इसका जो क्वेश्चन है उसमें, 2 का जो फर्स्ट है वो है 2/3 इंटू 5/44
इंटू 33/35 तो ये सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर जो ऐसे कटने वाला हो उसे हम कटा सकते हैं। तो देखिए ये और ये 11 से डिविजिबल है, 11 4 जा 44 और 11 3 जा 33। फिर यहाँ 3 और ये 3 ये डिविजिबल है, इसे हम काट देंगे, ठीक है। अब देखिए ये 2 और ये 4, ये 2 से 2 2 जा 4, 5 35 ये भी डिविजिबल, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। फिर ऊपर जितना बचा है सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, जो न्यूमिनेटर में जितना है वो सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर में जितना है उसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए ऊपर यहाँ 1 है 1 है 1 है सब कट गया था, तो यहाँ 1 ही रह जाएगा और नीचे 7 2 जा 14, तो ये होगा 1/14 इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/14। फिर से एक बार हम समझते हैं एक्सरसाइज सेकेंड बी में क्या हमें करना था, क्या करना है। मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें क्या क्या है और कैसे, जैसे मैंने बताया मल्टीप्लाई कैसे करना है पहले, ठीक है। एक फिर से एग्जांपल दे रहे हैं, पहले ही पहले क्वेश्चन का एक और था 5/8 और 4/7। 5/8 इंटू 4/7। तो देखिए बनाने का तरीका क्या है, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर अगर डिविजिबल है तो उसको डिवाइड कर देना है, कट देना है, अगर कटने योग्य है तो उसको कटा देना है। यहां भी न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर, ठीक है। खुद का नोमिनेटर, खुद का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर डिविजिबल है तो भी, या फिर इसका न्यूमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से डिविजिबल है तो इसे भी हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, कटा देंगे, इसको इससे और इसको इससे, ऐसे भी। तो ऊपर नीचे या फिर तिरछा तिरछी भी करके डिविजिबल अगर हो रहा है तो उसको डिवाइड कर देंगे, कटा देंगे। ये देखिए ये ऊपर नीचे यानी कि इसका जो न्यूमिनेटर है 5 है, इसका डिनोमिनेटर 8 है, तो 5 और 8 डिविजिबल नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। इसका देखिए 4, इसका न्यूमिनेटर 4 है और इसका डिनोमिनेटर दूसरे का 8 है, ये क्या है, डिविजिबल है, तो इसको हम कटा सकते हैं, ठीक है। 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ये 5 और 7 डिविजिबल नहीं है, छोड़ देंगे। ये 5 1 5 और 7 2 जा 14, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो आप इस तरह से पहला क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप बना सकते हैं। सिर्फ जानना क्या है, समझना क्या है, वो ये कि इसको कटाना कैसे है। एक बार फिर हम रिपीट कर रहे हैं, इसको कटाना कैसे है, इसको कटाना है इसका नोमिनेटर, इसका न्यूमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से हो सकता है, या इसका न्यूमिनेटर दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से कट सकता है, डिविजिबल है तो डिवाइड हो सकता है। उसी तरह से इस पर भी वही नियम, इसी तरह का यही रूल इस पर भी फॉलो होगा, और इस तरह से आप बना लेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट में जो था वो 2 से लेकर 12 तक था, उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन भी है, और सेकेंड क्वेश्चन में जो है वो कितने क्वेश्चन है टोटल 6, तो वो एक हम इसमें बनाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 से 6 ये टोटल आपके होमवर्क होंगे, ठीक है। तो आज पहले क्लास में, पहले क्लास में हमने जाना कि जो मल्टीप्लाई है सिंप्लीफाई है उसे कैसे करना है जब मल्टीप्लाई वाला हो,
सिंपल सिंपल अगर नहीं कटने वाला है, डिविजिबल नहीं है, तो सिंपली क्या करेंगे, न्यूमिनेटर जितने होंगे उन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, और डिनोमिनेटर जितने होंगे उन सभी को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। अगर डिविजिबल है तो डिवाइड कर लेंगे, कटा देंगे, और इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू, यानी कि क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ से बना सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। तो जितने क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो क्वेश्चन आप बना लेंगे, और बना के जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है उस व्हाट्सएप पर अपने कॉपी से उसको फोटो क्लिक करके आप उस पर भेज देंगे, फिर यहाँ से साइन करके वापस आपको भेजा जाएगा। और आपको जिस क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो भी वो आपको व्हाट्सएप पर उस बात को शेयर करें क्वेश्चन नंबर लिख के। क्वेश्चन नंबर जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर टू का आपको 5 नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं लिख कर कि क्वेश्चन नंबर टू का 5 यहाँ आपका प्रॉब्लम है। तो ये आपको अगर आप लिख देंगे तो उसको हम सोल्यूशन उसका आपको व्हाट्सएप करेंगे। आपको अगर पर्सनली आपको प्रॉब्लम है तो आपको पर्सनली उस पर आपको व्हाट्सएप किया जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है अगर जो आ जा रहा है आप बना सकते हैं तो बनाकर व्हाट्सएप जरूर करें।